उसी में पूजा कर लेते हैं। वट सावित्री का पूजा है, ये देखो प्रसाद भी रेडी है। आप लोग बने रहिए, हम आगे अच्छा ही दिखाने वाले हैं कैसे क्या हो रहा है। ये देखो प्रसाद में क्या क्या है, जामुन, कटहल, केला, आम, अमरूद, गेहूँ, ऐसा है, देखो सब कुछ है। ये साड़ी पहन के हम रेडी हो गए हैं। ये देखो सब प्रसाद तैयार कर लिए हैं। ये देखो ऐसा धागा भी है, इसमें काली मनी लगती है। तो चलिए हम तैयार हो गए हैं, हम चलते हैं। तो हले जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, जिससे आपको सबको देखने को मिलेगा। वट सावित्री की पूजा करने जा रहे हैं, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है आशा की किरण 72। और आप लोग देखिए, अभी हम जा ही रहे हैं, बाहर निकल गए हैं। ये देखो सुबह सुबह तो बहुत ही बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तो एकदम धूप खिल गई है। आंटी जी, आप भी ले रही हो फूल? हाँ ठीक है, आप ले लो, हम भी लेते हैं। आप इतना जल्दी आ गए? हाँ अच्छा, 10 रुपये का, ठीक है ये ले लो, दो। चलो भाई, चलिए चलिए चलिए, आ जाइए दीदी। अरे यहाँ तो एकदम बहुत ही अच्छा देखने को मिला नज़ारा, ये देखिए यहाँ सब कार्यक्रम चालू हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है भाई। हमें तो देखकर मन ही एकदम खुश हो गया है, कितना अच्छा लगा देख के। देखो हमने भी एकदम मस्त रेडी हो गए हैं, गजरा बिजरा लगा के। देखो गजरा तो सब लोग यहाँ लगाए हैं, हमने भी लगा लिए, अच्छा किए। चलिए बैठ जाते हैं पूजा में, पूजा के धर्म कर्म सब चालू हैं क्या? ये देखो छोटी सी देवी दिख गई यहाँ। चलो, पूर्णिमा धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत ही खास है। इस दिन पूजा पाठ के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं और चंद्रमा को अग्र देने का विधान भी है। ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा को महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये देखिए, क्योंकि इसी दिन ना सावित्री के पति के प्राण वापस लौट आए थे। सभी महिलाओं का ऐसा मानना है भाई, ऐसा ही मानते हैं अभी तो। देखिए ऐसा धागा लेके घूम भी रही हैं ऐसा। कभी कभी 2 दिन की होती है, पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन दान किया जाता है। कुछ ना कुछ दान करना चाहिए सबको, किसी न किसी लेडीज़ की, किसी गरीब की या किसी भी को। इसका मतलब ऐसा नहीं है किसी को दान कर दो कुछ भी, किसी गरीब को दान करो कोई भी चीज़, किसी छोटे बच्चे को दान, मतलब पढ़ाओ लिखाओ, जिसके पास जितनी हिम्मत हो ऐसा कर सकते हैं, जितना जो जैसा कर सकता है। किसी के पास बहुत मजबूरी है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, उसको भी दान कहते हैं। कभी कभी 2 दिन की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन दान किया जाता है। इसी कारण सुहागने बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, सबसे मेन कारण यही है कि सबको दान करो, किसी पास है किसी के पास नहीं है तो उसको देना चाहिए जो हो सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ माना जाता है, जो भी दान किया गया है ना उसका असर जीवन भर रहता है। आपने किसी को कुछ भी दान कर दिए या किसी की हौसला बढ़ा दिए, किसी को भी कुछ कर दिए, तो समझ लो उसका असर जीवन भर आपको मिलेगा, उस सुख आपको सुकून देगा। तो क्योंकि इसी दिन सावित्री के पति के प्राण वापस लौट आए थे, यही मानना है इस कथा में, सावित्री वट पूर्णिमा का मानना यही है। तो चलो ये देखिए, नन्ही मुन्नी दिख गई, देखिए ऐसा सब यहाँ चालू है भाई कार्यक्रम।
देखिए। चलो अब तो हम तो सोच रहे हैं अभी हो गया, पूजा पाठ जाने की तैयारी में सब लगे हैं। ये देखो अभी आएंगे दीदी हल्दी कुमकुम करने वाली हैं। ये देखो बरगद देख रहे हो, ये देखिए इसी बरगद में इतने सारे धागे लिपटे हैं, इसी पे सब कुछ इतना चढ़ाया जा रहा है। ये देखो जो आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हो, इतना क्लियर हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए इतने सारे फल चढ़ा दिए गए हैं। ये देखो एक बार ऐसा कुमकुम चढ़ाते हैं, फिर ये देखो ऐसा माला चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसा चढ़ाते चढ़ाते देखो पूरा भर गया है। ये देखिए मुन्नु दिख गई नन्नी सी। ये देखो चलिए हल्दी कुमकुम भी हो गया, अभी हमने प्रसाद और साथ चलो ले लेते हैं भाई। ये देखिए हमके हल्दी कुमकुम लगा ली है। ये देखो ये प्रसाद में ऐसा देखो गले में मंगलसूत्र बांध लेते हैं। चलिए ओके बाय बाय, घर पे चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय।